अरवल जिले के करपी प्रखंड के खजुरी पंचायत के बालितपुर से करपी पथ पर पचकेसर हामिनपुर मोड़ पर यात्री शेड न रहने से यात्रियों को काफ़ी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। मोहम्मद चांद आलम बीटेक इंजीनियर हैं और वह पर डे गांव से पटना शहर जॉब के लिए आया जाया करते हैं। समस्या यहां पर यह है कि यहां पे यात्री शेड ना रहने के कारण बरसात में काफ़ी प्रॉब्लम होती है। हम लोग काफ़ी देर गाड़ी का वेट करते हैं, लेकिन गाड़ी बहुत काफ़ी टाइम बाद आती है, तो बरसात के टाइम में हम लोग भीग जाते हैं यहाँ पे, और ये गर्मी के टाइमों में काफ़ी देर धूप में रहना पड़ता है हम लोगों को। यहाँ पे यात्री शेड होना बहुत ज़रूरी है। कुछ दिन पहले ये पेड़ लगा है, ये पेड़ लगने से थोड़ी सी राहत है हम लोगों को, लेकिन फिर भी यहाँ पे ज़रूरी है यात्री शेड लगाना। तो गाड़ी यहाँ पे रेगुलर चलती है या कोई फिर टाइमली भी यहाँ पे गाड़ियाँ आती हैं? टाइमली सुबह में 3-4 गाड़ियाँ हैं जो जहानाबाद और पटना के लिए आती हैं, ऐसे तो ऑटो चलती रहती है, लेकिन थोड़ा सा दिक्कत ये होती है कि काफ़ी टाइम बाद आती है ऑटो, वेट करना पड़ता है हम लोगों को। अब आप लोग क्या चाहते हैं? हम लोग यही चाहते हैं कि यहाँ पे यात्री शेड होना बहुत ज़रूरी है। हम लोगों को प्रॉब्लम होती है, सब जगह डेवलपमेंट है, यहाँ पे डेवलपमेंट नहीं हुई है, यहाँ पे होना बहुत ज़रूरी है। यात्री शेड के लिए आप लोगों ने कभी किन्हीं पदाधिकारी से या जो पंचायत लेवल के प्रतिनिधि होते हैं उनसे कभी आप लोग मिले हैं? नहीं, मिले तो नहीं है, लेकिन एक बार हमने बोला तो वो बोले कि ठीक है, हो जाएगा, लेकिन उन्होंने ऐसा कुछ किया नहीं। मैंने ये मुद्दा इसलिए उठाया कि मैं भी इसी मोड़ पर गाड़ियाँ पकड़ने आता हूँ और मुझे भी इस तरह की समस्याओं का सामना करना पड़ता है। हम और हमारा समुदाय यह चाहता है कि जो लोग इस वीडियो को देख रहे हैं वो भी हमारी इस मुहिम में शामिल हो सकते हैं। उसके लिए पंचायत के मुखिया श्री रामाशीष रंजन जी के मोबाइल नंबर 94314-76654 पर कॉल कर दबाव बनाएं ताकि यहाँ पर यात्री शेड बनाया जा सके। मैं SM जफर इकबाल, ग्राम पचकेसर, जिला अरवल, राज्य बिहार से इंडिया अनहर्ड के लिए।